Welcome to Intro International. Today's lecture, today's video is very important because इससे आप सारा जो अभी तक कल्चर एंड सोसाइटी वाला जो जो भी लेक्चर्स अभी तक पढ़े हमने उस सब से मैंने उन सब लेक्चर से MCQs लिए हुए हैं. तो अगर आपको ये MCQs आते हैं तो आपको आप खुद को इवॉल्वेट कर सकते हो कि हमें कितना अंडरस्टैंड हुआ है, तो हमें क्या दोबारा से वो लेक्चर्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या हमें सब कुछ अभी तक सारा कुछ समझ आ चुका है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. MCQs ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, इस वाले यूनिट से हमने जो भी अभी तक पढ़ा, तो जो पिछले वाले लेक्चर्स हैं उनके MCQs मैंने साथ साथ के दिए हुए हैं. तो इन कल्चर एंड सोसाइटी वाला जो पोर्शन है उसके MCQs लिए हैं मैंने. ये हमारा UPSC का सिलेबस है. इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें भी कल्चर वाला यूनिट पहला ही है, इससे ये क्वेश्चंस है. और ये UGC नेट का सिलेबस है, इसमें भी कल्चर के आधे इसमें अभी कवर नहीं हुआ है, जो हम नेक्स्ट यूनिट्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. अभी जितना भी हमने पढ़ाया वो सारा UPSC और UGC नेट सिलेबस से लिया हुआ है हमने. तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज़ अवर फर्स्ट स्लाइड. आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो स्लो स्लाइड्स मूव करूँगी, आप खुद आराम से पढ़ के इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी आएगा. दी रूट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स सोसाइटी, सर्कल, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप और कल्चर. इसका आंसर है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. ये हमने पहले ही जब सोसाइटी का लेक्चर पढ़ाया था तो उनमें उसमें हमने जो डेफिनेशन में पढ़ाया तो पहले ही हमने बोला ये लैटिन वर्ड सोशियस से लिया है, जिसका ना जिसकी मीनिंग है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड स्लाइड. हु अमंग द फॉलोइंग गेव द बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर. कल्चर की डिफिनेशन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट ने दी है, इनमें से किसने बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दी है, बायोलॉजिकल वाली इंटरप्रिटेशन किसने दी है? टाइलर, मेलानोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लुकहन. इसका आंसर है मेलानोस्की. मेलानोस्की ने बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दी है जिसमें उसने बोला है नीड एंड इम्पल्स कैसे होता है, तो उस वो एक्सप्लेन हम करेंगे आगे वाले लेक्चर में. तो अभी ये हमने इतना पढ़ाया है कि बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो कल्चर की है वो मेलानोस्की ने दी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कल्चर इज लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सराउंडिंग एंड फ्रेंड्स एंड अदर्स थ्रू. ये इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है. तो कल्चर जो हम जो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, नेबर से, दोस्तों से, फ्रॉम द पॉइंट व्हेन वी व्हेन ए चाइल्ड इज़ बॉर्न. जब भी एक बच्चा पैदा होता है तब जो वो सीखता है, जो कल्चर वो लर्न करता है पेरेंट्स से, सराउंडिंग से या फ्रेंड्स से, उसको हम क्या कहते हैं? कंपेनियनशिप, एनकल्चरेशन, कल्चर रिलेटिविज्म, एकल्चरेशन. इसको हम बोलते हैं एनकल्चुरेशन. ठीक है, नेक्स्ट. सोशियोलॉजिस्ट गेरहार्ड लेंस्की बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी हैड डिफरेंशिएटेड सोसाइटीज इनटू स्टोन एज सोसाइटीज, ब्रोंज एज सोसाइटीज एंड आयरन एज सोसाइटीज. हंटर एंड गैदरर्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं. स्वैगरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन. हंटर गैदरर्स, हॉर्टिकल्चर्स, रेस्टस, पेस्टरलिस्ट. इसका आंसर है ये गेरहार्ड लेंस्की ने बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी जो सोसाइटीज़ को डिवाइड किया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी, उस पर उसने सोसाइटीज़ को डिवाइड किया हुआ है. तो ये हमने एक लेक्चर में हमने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हंटर गैदरर्स, सिंपल एग्रीकल्चर, एडवांस्ड एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशल. ओके, लाइक फिशिंग सोसाइटीज़ और मैरिटाइम सोसाइटीज़.
मोइंट नेक्स्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वापस वो लेक्चर्स आपको देखने की ज़रूरत है। फिर सोसाइटीज में भी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड कम्प्लेक्सिटी एज। जब हम सोसाइटीज़ को इंक्रीजिंग साइज एंड कम्प्लेक्सिटी में ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या बनता है? स्टेट, ट्राइब, बैंड एंड चीफडम, चीफडम, बैंड्स, ट्राइब्स एंड स्टेट, बैंड्स, ट्राइब्स, चीफडम, स्टेट। इसका आंसर है, ये भी हमने सारा इंक्लूड अपने प्रीवियस स्लाइड्स में किया हुआ है, बैंड्स, ट्राइब्स, चीफडम एंड स्टेट। मूविंग टू द नेक्स्ट, द एक्विजिशन ऑफ कल्चर इज नॉट थ्रू बायोलॉजिकल हेरिडिटी बट थ्रू सोशलाइजेशन विच इज कॉल्ड कंपेनियनशिप, एनकल्चुरेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म, एकल्चुरेशन। इसका आंसर है एनकल्चुरेशन। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि जब बर्थ होती है एक बच्चे की तब से ही जो वो सीखता है अपने नेबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, तो वो एनकल्चुरेशन कहते हैं उसको। और ये बायोलॉजिकल नहीं होता है, ये थ्रू सोशलाइजेशन होती है। द फ्रेज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, इज गिवन बाय, ठीक है, ये किसने दिया हुआ है? ये लिखना मैं भूल गई हूँ, फ्रेज जो है एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये किसने दिया है? टाइलर, मेलनोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, कुलुकहन। जब कल्चर की डेफिनेशन इन्होंने दी है तब उन्होंने बोला है कि फ्रेज एक फ्रेज का यूज़ किया है, एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसने किया? टाइलर ने, मेलनोस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, कुलुकहन ने? तो टाइलर ने, टाइलर ने बोला था कि जो इंसान एक सोसाइटी में रह के जो वो बिलीव्स, एक्ट्स, मॉरल नॉलेज जो कुछ भी वो सीखता है तो उसको हम कल्चर बोलते हैं, ठीक है, जो, और उसने एक फ्रेज का यूज़ किया, एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। द क्लासिकल, क्लासिकल है ये, डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज़ गिवन बाय ई बी टाइलर इन हिज बुक। जो क्लासिकल डेफिनेशन दी थी कल्चर की, वही व्हाट्स एवर मैन इज़ गेनिंग बाय लिविंग इन द सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो वो फ्रेज का यूज़ किया है, तो उस ये डेफिनेशन उसने अपनी बुक में दी थी। किस वाली बुक में? फोक वेज, ये टाइलर की बुक है क्या? प्रिमिटिव कल्चर, अर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, Origin of Species। Let's see the answer, it's Primitive Culture। Okay, तो Primitive Culture में ई बी टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी है और वो फ्रेज का यूज़ किया हुआ है। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा। What is considered as good, proper and desirable or bad, proper or undesirable in a culture can be called as norms, values, sanctions, culture trait। वैल्यूज़, ये सारा लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में मैंने पढ़ाया है, तो वो आप वापस रिपीट देख सकते हैं। अगर जिसको नहीं आया तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होते हैं, सेंक्शंस क्या होते हैं और कल्चर ट्रेड किसको हम कहते हैं। इंटरेस्ट ऑफ फील्ड वर्क अरोज इन द, इंटरेस्ट जो फील्ड वर्क की तरफ हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कब हुआ? बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, एंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी और एंडिंग ऑफ 18th सेंचुरी। बिगनिंग ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। इट इज़ द साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉरल एडजस्टमेंट एट माइक्रो और मैक्रो लेवल दैट इज़ एक्सपीरियंसड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड पीपल एनकाउंटर न्यू कल्चरल एलिमेंट्स सच एज न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट, सीमिंगली स्ट्रेंज बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। इट्स कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, जब किसी को साइकोलॉजिकल या सोशल मॉरल एडजस्टमेंट होता है, जब वो किसी नए कल्चर में जाता है या अपने कल्चर में भी जो नई चीज़ें वो देखता है तब भी उसको ये होता है। ये डिपेंड करता है अब इंसान कितना इस चीज़ को अपने पे हावी होने देता है,
ये मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है। एक्सपीरियंस तो ये चीज़ हर कोई करता है, बट कितना वो अपने आप पे इस चीज़ को हावी होने देता है वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल माल एडजस्टमेंट, कल्चरल शॉक, एकल्चरेशन। ऐसे जितना मैंने समझा उसको ध्यान में रख के आपको समझ आया होगा। तो ये कल्चर शॉक है, ठीक है, जो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में। दी जनरल पैटर्न इज टू जज द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल इन अदर ग्रुप्स बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर ओन कल्चर। इट्स कॉल्ड एज, कौन सा पैटर्न जिससे हम जज करते हैं दूसरे लोगों के कल्चर को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर ओन कल्चर। हम बोलते हैं ये अनसिविलाइज्ड, हम उनको उस नज़र से देखते हैं कि ये इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं, या उस अप्रोच को क्या कहते हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, जो मतलब एलो नहीं है एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को जब वो फील्ड में जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिक अप्रोच अलाउड नहीं है। हम जब किसी भी इंडिजिनस किसी भी कल्चर को स्टडी करने जाएंगे एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हमें उनके पर्सपेक्टिव से देखना है चीज़ों को, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से, जिसको हम एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं या एथनोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट विलियम ग्राम समनर कॉइन्ड दी टर्म एथनोसेंट्रिज्म इन हिज बुक। किस बुक में विलियम ग्राम समनर ने एथनोसेंट्रिज्म का की टर्म जो कॉइन की है, किस बुक में है? प्रिमिटिव कल्चर, एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक फोकवेज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। प्रिमिटिव कल्चर अभी हमने बोला कि ये टाइलर ने लिखी हुई है, तो आप ऐसे भी एक्सक्लूड कर सकते हो। ये टाइलर की लिखी हुई बुक है जिसमें उसने फ्रेज कब यूज़ किया या कल्चर की डेफिनेशन दी हुई है। तो अब रह गए तीन, लेट्स मूव टू द आंसर। इट्स फोकवेज। फोकवेज एक बुक है जो विलियम ग्राम समनर ने लिखी हुई है, उसमें उसने एथनोसेंट्रिज्म टर्म का यूज़ किया है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर ने लिखी है। अर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक लिखी है मेलेनोस्की ने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है डार्विन ने। ठीक है, बुक्स के जो नाम हैं, इनके ऑथर्स के नाम, ये अक्सर पूछे जाते हैं और एनटीए का भी फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। कल्चरल रिलेटिविज्म अप्रोच वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, किसने फॉर्मुलेट किया था फर्स्ट कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट? टाइलर, मेलेनोस्की, फ्रेंड्स बोस, कुलिकोहन। ये फ्रेंड्स बोस ने किया था पहले फॉर्मुलेट। थैंक यू, दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव फ्रॉम कल्चर एंड सोसाइटी सेक्शन। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।